हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के बच्चे हैं 7:15 और यहाँ की सुबह बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत ही हरियाली और ये बहुत सुंदर खूबसूरत ही सुबह यहाँ की। और देखिए सामने सूरज निकल रहा है। तो 7:15 हो गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कितना दिन निकल गया है। यहाँ पर खुला एकदम खुला खुला एकदम, तो और भी अच्छा लगता है यहाँ पर। सब जगह वो लगा रखे हैं देखने के लिए। ये देखिए देखिए जाली कैसे कर रही है। तो मतलब अच्छे लगती है यहाँ की सुबह। और हम बहुत ग्रीन ग्रीन आपको दिखाती हूँ। तो जंगल यहाँ पर कुछ जंगल हैं, अभी कुछ मकान नहीं बने हैं, तो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरी हरियाली है यहाँ पर। और ये देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ये देखिए सामने सूरज। कल हम लोगों ने बहुत मज़ा करा, मतलब रक्षाबंधन अच्छा बना हमारा, बहुत इंजॉय करा, बहुत ही हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई। और बड़े वाले भाई थोड़ा ज़्यादा हंसी मजाक वाले हैं, तो हम बहनों के साथ ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं। तो कल बहुत ही मज़ा आया, इंजॉय करा हमने। और रात तो मैं 10:30 बजे ही सो गई, उससे खाना खाते पड़ते नींद आई मुझे इतनी अच्छी। आज सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ मैं, 4 बजे के बाद मुझे नींद नहीं आई। तो चलिए गाइस, तो आपसे मिलते हैं बाद में। चिड़िया आ रही है, चिड़िया की फ़ोटो वीडियो बनाती हूँ मैं, आपको दिखाऊंगी। तो देखिए गाइस, मैं छत पर आई हुई थी, देखिए तो वहाँ पर एक बंदर बैठा था, इसलिए डर के मारे मैं नहीं जा रही। कुछ पता नहीं एकदम से उछल कर आ जाए, तो मैं डर के मारे नीचे आ गई। अभी नीचे तो नहीं हूँ, पर दूसरी छत पर आ गई मैं, उस वाली छत से। तो मैं उतर रही हूँ। देखिए इसके डर के मारे मैं नीचे उतर ही आई। ये देखिए कैसे झांक रहा। A few moments later. तैयारी होगी नाश्ता बनाने की, और ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं। हमने आलू भर दिए हैं, ये बैटर बढ़िया है, और यहाँ पर बेसन भाभी घोल दिया है। सारी तैयारी वैसे भाभी ने ही करी है, तो देखिए ऑयल भी भाभी ने ही डाला है कढ़ाई में। तो सोच रही हूँ मैं देख देती हूँ, भाभी नहा लो तुम इतना। मैं चाय पीऊंगी पहले, उसके चलो। तो पहले लेट हो गई थी, सर में दर्द हो गया था। चाय भी चढ़ा दिए। कुछ नहीं होता, लगा दो, ऐसे कुछ नहीं होता। तो चलिए गाइस, तो हम बनाते हैं नाश्ता और फिर मिलते हैं नाश्ता बनाने के बाद।
हमारे ब्रेड पकौड़े बन गए हैं, भाई वहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, तो मम्मी खा नहीं रही, तो अब हम नाश्ता करेंगे। देखिए गाइस मैं खा रही हूँ नाश्ता और चाय आ गई है। अनुराग आजा। तो देखिए गाइस हम जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, भाई ने कहा मार्केट चलते हैं थोड़ा सा घूम फिर आते हैं, तो मैं भाभी और कितने भाई जा रहे हैं और मम्मी नहीं जा रही, दीक्षा भी नहीं जा रही, तो हम लोग जा रहे थे। थोड़ा मौसम सही सा और लग रहा है, पर कभी धूप निकली कभी छाई निकली, तो चलिए गए तो चलते थे। आज मैंने जींस और शर्ट डाली है, मैंने लॉन्ग वाली शर्ट, तो चलिए गए तो चलते हैं थोड़ा सा घूम फिर कर आते हैं, कहाँ लेके जाता भाई कहानी, तो मिलते हैं आपको मार्केट में। अगर ब्लॉग बनाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आके घर से घर पे ही मिलेंगे आपको, तो चलिए चलते हैं। देखिए गाइस हम लोग आ गए बचत बाजार में, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है हमें। तो देखिए गाइस हम लोग आ गए मार्केट से, तो मैं लेकर आई हूँ, भाई ने दिलाई मुझे एक परात, परात नहीं थी मेरे पास बड़ी, तो भाई ने कहा कि बड़ी परात ले ले अगर नहीं है, तो भाई ने दिलाई मुझे गिफ्ट में, और एक पाउच दिलाया मुझे मेकअप रखने का। ये देखिए एक पाउच मेरे को दिलाया, एक भाभी को दिलाया, ये गिफ्ट है मेरे को, तो आपको दिखाती है परात भी अपनी। तो देखिए गाइस ये रही परात, मेरे पास परात बड़ी नहीं थी, तो आज मेरे पास बड़ी परात भी होगी, भाई ने गिफ्ट करी है और एक गिफ्ट मिला, ये राखी का गिफ्ट ये मेरे लिए। नहीं ये तो अभी फिलहाल जो गिफ्ट है वो है, अभी तो नोट भी देगा मेरा भाई, पैसे भी देगा अभी तो। नहीं भाई मैं तो पिंक वाला लूंगी, मैं पिंक वाला लूंगी। चला लाओ दो, चलो कोई हम भी एक कुर्बानी कर सकते हैं अपनी भाभी के लिए। नहीं 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 चीज तो एक ही है, कलर ही तो है, तो कोई बात नहीं, देखिए हमने चेंज कर लिया भाभी से, कोई बात नहीं। और भाभी तुम भी तो लाई थी वो सामान, वो दिखा भाभी लाई एक प्लेट है। हाँ बहुत सुंदर प्लेट लेकर आई है भाभी, पत्तल वाली, ऐसे लगेगा जैसे पत्तल बिछरे हैं। ये भाभी डोसा वोसा बनाती है ना ज्यादातर, तो उसके लिए अच्छा लगेगा, मतलब बहुत कटर मजा आ जाए। हाँ ये देखिए सुंदर लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पत्तल है, केले के पत्तल, तो अच्छी लग रही थी। सही मिल गई, 150 की एक ना, 150 रुपए की, 100 रुपए की दो हैं। लूट के आए बताओ, सही है क्योंकि परात अच्छी लगी, गहरी भी है। हाँ मेरे 300 पीस का है वो परात मेरे पास। तो देखिए गाइस भाई ने अचार डाला है और भाई को एक शौक हुआ है उत्पन्न के, अब मैं अचार भी डालूंगा क्योंकि भाई को अचार का बहुत शौक है खाने का, तो वो कौन डालेगा अचार, तो उन्होंने सोचा चलो मैं ही सीख लेता, तो भाई ने अचार डालना सीख लिया, तो ये अचार डाला है, ये आम का है, मिर्ची का है और भाई किस चीज़ का, और ये मिर्ची भी उस घर की जो मिर्ची उगाई हुई है उसका है, ये घर की मिर्ची का। तो देखिए तीन चार है, ये तीन तो आम के, तीन है ना आम के भाई, तीन है, एक है मिर्ची, एक का सूखा है। एक सूखा है, एक देखिए दोपहर के बज रहे हैं, 3 बजने वाले हैं, ये देखिए अच्छा A few moments later. तो देखिए गाइस मेरी भाभी मेरे लिए गिफ्ट जलाई परात, ऐसे फल डाल दिए हैं, और ये चॉकलेट का डब्बा, और ये राखी के पैसे हैं जो भाई भाभी मुझे दे रहे हैं। थैंक यू भाभी और थैंक यू भाई। क्या क्या बताइए, तो ये खाइए पूरी वही जो मेरी मम्मी ने बोला, नहीं 1500 रुपए है क्योंकि 100 रुपए मुझे जब दे देते हैं, बल्कि 1600 रुपए, अरे वो उनको मतलब बताना पड़ता है भाई, मेरे भाई ने दिया है मुझे, तो जो दिया है गाइस अब आप सोच लीजिए, ये नोट गिन के तो ये मेरा गिफ्ट है रक्षाबंधन का। तो
देखिए गाइज, मैंने आज साड़ी पहनी है, भाभी की साड़ी पहनी है और तैयार यार होकर मैंने बनाई है शॉर्ट वीडियो और कुछ इंस्टाग्राम पे रील बनाई है। तो मैं बहुत देर से लगी पड़ी हूँ ये काम करने में, रील्स वगैरह शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। तो शाम को हम निकलेंगे घर के लिए, तो अनमोल के पापा ऑफिस से आ जाएंगे तो तब निकलेंगे। और भाभी बना रही है खाना हमारे लिए, तो हमारे लिए खाना पैक करेंगे हम, तो खाना हम लेके जाएंगे घर, खाएंगे खाना। तो अब टाइम हो गया है 6:36, तो अनमोल के पापा 7:15 तक आ जाएंगे, तब तक हम खाना पीना रेडी हो जाएगा, भाभी बना रही हैं और फिर निकलेंगे घर के लिए। मैं पैकिंग कर लूँगी तो अभी थोड़ी, तो चलिए गाइस तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और अनमोल के पापा आ चुके हैं और लेकर आए नाश्ते का सामान, और नाश्ते में है समोसे और चाउमीन, और भाभी गई है ऊपर पेड़ों में पानी डालने के लिए। तो दीक्षा ही देरी पूरी खा लेगा और पापा को बुला ले बाहर, चाय बना दिए। तो नाश्ता करके हम निकलेंगे घर के लिए, हम लोग खाना पैक करवा रहे हैं, भाभी ने खाना पैक करने के लिए बना दिया, रोटी रह गई है। तो बस करती हूँ फटाफट और कपड़े चेंज करके फिर निकलते हैं, खाना पैक करवाते हैं। और 7:30 हो गए हैं और मैं 4 बजे से लग रही, 4 बजे गए थे तेरे पापा, तो 4 बजे से लग रही हूँ शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाने में। 3:30 हो रहे थे आज, तो मेरी मम्मी ने भी देख लिया मैं कितनी मेहनत करती हूँ, मेरी भाभी ने भी देख लिया मैं कितनी मेहनत करती हूँ, मुझे बहुत मेहनत। एक चीज़ और लाए अनमोल के पापा जो स्पेशल हमेशा लाते ही रहते हैं, वो तो वो स्पेशल चीज़ है, आज खास 1 तारीख ये 1 सितंबर है, तो फोन मेरे लिए बहुत ही सुंदर खूबसूरत मैचिंग। ठीक है, हमारा खाना वाना सब पैक कर लिया है, अब हम चल रहे हैं चलने की तैयारी, और हमारा सारा सामान पैक हो गया है और उसमें हमारा खाना पैक है, राजमा दाल चावल रोटी भिंडी की सब्जी, तो सब सामान पैक हो गया। एक बैग लेकर आई थी तो 2-3 बैग भर के जा रहे हैं, मतलब एक तो परात हो गई और उस बैग में सामान है, पता नहीं क्यों कैसे पता नहीं सामान ज़्यादा हो जाता, समझ ही नहीं आता। तो मैं इसमें से भाई को बाय करूँगी, भाई 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 बाय, हम जा रहे हैं अपने घर, टाटा बाय बाय, फोन करूँगी कल। भाभी हमें छोड़ने आई है नीचे, भाई चले गए ऑफिस, मम्मी पापा भी कमरे पर हैं, हमने उन्हें नहीं बुलाया क्योंकि थक जाते हैं उन्हें चाहने, आज भाभी भी थक गई है हमारी वजह से क्योंकि दोपहर से लग रही है भाभी खाना वाना बनाने में। बांध दिया, टेंशन नहीं है, तू बना ले भाई, मैं बांध दी झूठ सब करते सही बात बाय पकड़ लेना, बाय बाय बेटा।
रहे हैं तो देखिए राजमा दाल और हम लोग खाना खा रहे और मसाला छाछ भी था, भिंडी भी खा ली हमने। और आते ही अनमोल ने कहा मम्मी खाना दे दो, खाना भूख लग रही है। तो फिर हम भूल गए ब्लॉग बनाना और थक गए हम, और अनमोल ने सारे साफ सफाई कर रखी थी। गाइज हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और थक गए, तो अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो करते हैं वीडियो का एंड, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग में एक नई टाइटल के साथ। तब तक के लिए प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, प्रभु घर में सुरक्षित रहिए। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टाटा बाय बाय।